ये जो सामने गोल सा दिख रहा है ना, बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये क्या है, जो भी हमारे इंडिया ट्रेवल्स के लोग देख रहे हैं। तो भाई मैं बता दूं आपको कि ये हमारे पटना का गोलघर है। अब ये गोलघर क्यों बना था, कब बना था, किस लिए बना था, किसने बनाया था, अभी हम गोलघर के सामने चलते हैं, गोलघर के आगे चलते हैं, उनके क्लोज चलते हैं और आपको बारीकी से हर चीज बताते हैं। चलो पहले मैं आपको बताता हूँ गोलघर बना किस लिए था। तो भाई 1770 में भयंकर सा सुखाड़ आया था हमारे बिहार में, इसमें लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। इस सुखाड़ के कारण फसलें उगनी बंद हो गई थी, वर्षा पड़ना बंद हो गया था। इसलिए जो यहाँ के जनरल थे जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग, जिसने गोलघर का निर्माण करवाया। भाई हम लोग अगर इसकी ऊंचाई की बात करें ना, तो इसका जो ऊंचाई है वो है टोटल 29 मीटर। और भाई ये जो दिख रहा है ना, इसमें जो अनाज रखते थे, इसमें टोटल 140,000 टन अनाज रखी जा सकती थी एक बार में। सोचो तो अंदर एक भी पिलर नहीं है, ये सिर्फ ऐसे गोलाकार बनाया गया।